ऐसा हो सकता है कि बाकी सब इतने जबरदस्त कर लें कि उसके बड़ा की बात हो जाए, लेकिन टीचर का ये कहना कि जो जिसने ये नहीं किया ना वो पास नहीं होता है, तो इससे क्या शो हो रहा है? इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसके ऊपर ज्यादा मोहताज हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये जिद लगाना कि नहीं नहीं हम बाकी में से परफेक्ट करके निकले, नहीं होने बाकी पर है, तो जिसके बारे में ये कह दिया कि ये नहीं किया ना तो पास नहीं होते, तो उसमें ज्यादा मोहताज हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ ना पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बड़ी सख्त बात की गई है, जैसे जो डीलिंग पुराने जब लगा मुस्लिम 172 सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि खुद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरूह फरे से महफूज ना हो। अब हमसाया नेबर भी हो सकता है, ऊपर वाले पोर्शन में रहने वाला किराएदार भी हो सकता है, तो वो जो गली मोहल्ले में एक आंटी होती है जो इधर उधर देख के निकल के कूड़ा किसी के दरवाजे के आगे फेंक देती है, वो आपकी अम्मी भी हो सकती है। वो जो एक अंकल होते हैं जिनने मोहल्लेदार की वो तारों पर कुंडियाँ डाली होती हैं, वो आपके अम्मी भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरह के बताए हैं कि आपके जो हमसाए वो आपके संग हैं, या वो आप भी तंग हो सकते हैं क्योंकि आप छत पर चढ़ते हैं तो फिर वो लोग महफूज नहीं रह रहे होते, तो वो आपसे भी कम हो सकते हैं, तो उसमें ना फिर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरूह फरेब से महफूज ना हो। कल मैंने प्रोसेस कॉफी की बात सारी